हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो चलिए आज हम जानते हैं सूजी, जिसे रवा भी कहते हैं और बहुत सारे लोग इसे बॉम्बे रवा के नाम से जानते हैं, तो उसके हेल्दी बेनिफिट्स के बारे में। सूजी जिसे हम लोग अक्सर खाने में इस्तेमाल करते हैं, जिसे इंग्लिश में सेमोलिना कहते हैं। सूजी गेहूँ से बनाया जाता है, जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए आज जानेंगे उसके गुणों के बारे में। उससे पहले आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे मोटिवेट कीजिए। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके टॉपिक के ऊपर। सूजी का आटा मधुमेह के लिए बहुत अच्छा होता है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं ना, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कम GI होती है, उनके शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। एक तरफ से देखा जाए तो वज़न कम करने में सूजी बहुत महत्वपूर्ण है। वो धीमी गति से पचता है और लंबे समय तक हमें भूख नहीं लगने देता, जिस वजह से हमें कुछ और खाने की ज़रूरत नहीं होती है। सूजी में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो आपके शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं। इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ई, प्रोटीन, ट्रांस फैट, एसिड पाए जाते हैं। सफ़ेद आटे के मुकाबले सूजी का आटा बहुत ही गुणकारी है। ये दिल और किडनी के कार्यों में समर्थन करता है, साथ ही साथ दिल और किडनी को ये हेल्दी रखता है। सूजी में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये एक इम्पॉर्टेंट तत्व है, जो हमारे हीमोग्लोबिन को बनाने में हेल्प करता है। रेगुलर इसे लेने से थकान, कमज़ोरी, चक्कर आना, ऐसी जो वीकनेस होती है ना, वो कम हो जाती है। जिनके बॉडी में आयरन की कमी है, उन्हें हर दिन सूजी का सेवन ज़रूर करना चाहिए। सूजी में सेलेनियम होता है, जो एक महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट है, जो मॉनसून इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करता है, साथ ही हमें फिट रखता है। सूजी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। बच्चों को सूजी खिलाने उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। सूजी में जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6 आदि पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की तरह काम करता है। जो बच्चे की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसे ये स्ट्रॉन्ग करने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ सूजी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है। एक संतुलित आहार के लिए सूजी एक बेहतर उपाय है। सुपर ये बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 साल तक के बच्चों को हमें सूजी ज़रूर खिलानी चाहिए। उससे उनकी बॉडी का जो पावर है ना, इम्यूनिटी बचने का, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। साथ ही साथ जो ब्रेन पावर है, वो भी बढ़ती है। सूजी का तासीर ठंडा होने के कारण आप इसे विभिन्न रूप से खा सकते हो, जैसे सूजी का हलवा, सूजी का शीरा, सूजी का खीर, सूजी के अप्पम, सूजी की बर्फ़ी, सूजी का लड्डू, सूजी की इडली, सूजी का उत्तपम, एक्सेट्रा। सूजी एक ऐसा एलिमेंट है, जिससे आप बहुत तरह का खाना बना सकते हो। सूजी का सेवन ज़्यादातर नहीं करना चाहिए। ओवर सूजी के सेवन से इसमें मौजूद फाइबर की मात्रा से हमारा पेट फूलने लगेगा, सूजन, पेट में ऐंठन की समस्या होने लगे। वीकली आप 2 से 3 बार इसे आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूजी बहुत बारीक होता है, तो बनाने से पहले इसे अच्छी तरीके से साफ कर लेना बहुत ज़रूरी है, और बारिश के वक्त ही ख़राब हो सकती है। इसीलिए आप इसे रोस्ट कर ले, हल्का रोस्ट होने के बाद इसे ठंडा करके ग्लास कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। 6 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, इसमें कीड़े नहीं लगेंगे। एक बार में सूजी का सेवन 50 से लेकर 100 ग्राम्स तक ही करना चाहिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल ना करें। सो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी सूजी के फ़ायदे जानने में। तो अच्छा लगा है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जितना हो सके, और कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूले कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर पहली बार आप मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।